हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम केस को लेके एक दो बातें करेंगे, और क्या ये टूल बेस्ट है या टूल बेस्ट नहीं है, और क्या अपने को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, क्योंकि टूल तो आपको लेना है, कौन सा टूल लेना चाहिए कौन सा टूल नहीं लेना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो हम ये आपको बता सकते हैं इसके अंदर ये वाला काम करेगा ये वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। और जमीर भाई ने इसका अनबॉक्सिंग कर दिए तो ये मैं ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा काम क्या है, कोई भी टूल हम जो टूल यूज़ करते हैं वो टूल हम सेल करना। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी टूल हमारे पास आ गया उसका कोई R&D नहीं किए कुछ नहीं किए उठा के धनाधन 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 सेल कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं उसको खुद अंदर में यूज़ करता हूँ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में उसको खुद यूज़ करता हूँ, और उसके बाद ही मैं सेल करता हूँ। उससे पहले मैं खुद सेल नहीं करता, और कोई काम की चीज़ नहीं है तब मैं सेल ही नहीं करता। और एक बात आपको मज़े की बात बताता हूँ, देखो ये 2 महीने हो गया मैं मंगा के, कितने महीने हुआ, 2 महीने हो गया। ये अपना कार प्रॉग है, ठीक है, एयरबैग के लिए कार प्रॉग है, ठीक है, एयरबैग के काम करने के लिए कार प्रॉग है। 2 महीने ये लेके मैं हो गया, इसके ऊपर रिसर्च किया किया किया, मैं खुद यूज़ किया, सारा कुछ यूज़ किया जितना इसको मैं यूज़ करना चाहिए सारा कुछ किया, टेढ़ा या उठा के फिरा के जैसे चाहे इसको मैं यूज़ किया, तो मुझे पता चला ये अपने इंडियन भाइयों के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, उठा के इसको रख दिया बाजू में, उठा के इसको बाजू में रख दिया। ये क्यों, देखो मैं जो भी टूल सेल करता हूँ वो कारीगर होनी चाहिए और यूज़फुल होनी चाहिए, तभी मैं ये चीज़ सेल करता हूँ। देखो हमने इसके ऊपर पैसा डाला, कोई काम की चीज़ तो मेरे को ये नज़र आई नहीं। ठीक है, इसलिए ना तो मैं वीडियो बनाया इसके ऊपर, कुछ नहीं किया, उठा के भिड़का दिया, चलो बाद में देखेंगे। कोई भी अपना अपने लाइन का जो भी अपना बंदा अपने से जो सीख के जा रहा है उसके पास कोई बजट नहीं है, तो छोटा मोटा ईप्रोम का लेवल का काम हो गया कुछ भी इससे काम कर सकता है। ठीक है, उसको तो चलो जानने दो, अभी हम केस को केस से बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिलते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ को मिली है केबल, OYABD काम करने के लिए केबल एक, ठीक है, और दूसरा अपने पास एक बॉक्स मिला है। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स रहता है बेंच मोड पे आपको काम करने के लिए काम आता है। ठीक है, और तीसरा आपको उसके अंदर केबल मिले हैं, देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे केबल मिले हैं, बॉक्स को रखता हूँ साइड में। सबसे पहले जो अपना मेन हार्डवेयर जो रहता है ये रहता है केस V2। ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर वर्जन रहता है, ये फर्मवेयर वर्जन सॉफ्टवेयर वर्जन ऐसा कुछ रहता है। ये अपना ECM का पिन आउट, पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ देने के लिए ये रहता है, ये अलग से बैटरी सप्लाई देख के काम करने के लिए रहता है, और अपना ECM का पॉजिटिव नेगेटिव GPT ये सब इसके अंदर भी आता है, तो वो देख के काम करने के लिए ये रहता है। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैन लो कैन है, ये मेन केबल अपने को बहुत ज़्यादातर ये वाली यूज़ आती है। ठीक है, ये वाली ज़्यादातर यूज़ आती है, और ये अपना तो कंप्यूटर के साथ इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर सारा कुछ डाल के इसको ऑन करने के लिए ये डेटा केबल यूज़ में आती है। ये बेंच मोड पे काम करने के लिए यूज़ आता है, ठीक है, बेंच पे जो काम करते हैं उनके लिए यूज़ आता है, और ये वाला अपना OYABD काम करने के लिए ये यूज़ में आता है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, एक ECM को रीड करने की कोशिश करूँगा अपना मैग्नेट मरेली का। ठीक है, देखो आप केस से रीड करोगे तो 100% ये क्लोन नहीं करेगा। ठीक है, जो स्पीड का जो काम करते हैं, स्पीड मतलब आप समझ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सब अपने चैनल में बोलना चाहिए, स्पीड का जो तोड़ने का जो काम करते हैं उनके लिए। थोड़ा मैं इसको पास करता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने इसके अंदर हमने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, और बहुत सारे इसके अंदर अच्छे अच्छे इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके का काम इसमें हो जाएगा। इसे हमको रीड करना है, राइट करना है, Delphi 3.7 आपको रीड करना है और राइट करना है, स्पेशली स्पीड तोड़ने के लिए काम आता है मिल जुलाई के। ठीक है, ECM क्लोन इसके अंदर बहुत सारे ECM को मैं देख लिया, तो इसके अंदर EEPROM आता नहीं है, तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं बिना कोई खोले ECM को। आप कुछ काम कर रहे हैं तो बिना आप ECM खोले, ऐसा तो मैं कुछ इसके अंदर काम किया था। ठीक है, अभी पूरा काम सब ओके है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ECM इग्निशन ऑन किया,
देख सकते हैं गाड़ी मेरी स्टार्ट है, ठीक है, यानी ईसीएम ओके है। अभी मान के चलो ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, ये मान के चलो ये मेरी गाड़ी है। अभी मैं इसको चला के दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसे हम केटेग में यूज़ करते हैं वैसा ही आपको केबल लगवाना पड़ेगा, ठीक है। बिना केबल लगाए हुए आप केस को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। केस का सॉफ्टवेयर जो है उसको हम ओपन कर लेंगे। मैग्नेट मरेली का इसे मैं रीड करके आपको बताऊंगा कैसे इसका रीड होता है, क्या इसका तरीका रहता है और कौन सा आप इसे इसके अंदर रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा कार के अंदर, मैग्नेट मरेली का ईसीएम में रीड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कौन सा आप गाड़ी का काम कर सकते हो। जो इंडियन ब्रांड है उनकी बात कर लेता हूँ, फोर्ड, फीएट में तो मैग्नेट मरेली का आ जाता है, ठीक है। चलो मैं फोर्ड से शुरू करता हूँ। फोर्ड के अंदर आप कौन सा ओया ओबीडी काम कर सकते हैं, जो मेन मेन जो है उनकी बात कर लेता हूँ। जो अपने इधर चलते हैं ईडीसी 17C10, ठीक है, ये वाला ओया ओबीडी से काम हो जाएगा। इको स्पोर्ट का आपका पेट्रोल का काम हो जाएगा, एमईडी 17.0.1, ठीक है, और एमईडी ईडीसी 16C हो जाएगा, और अपना कॉन्टिनेंटल का भी ऑलमोस्ट हो जाएगा MEG 17, ठीक है, MED, सॉरी MED है ये, MEG समझा, MED है, ठीक है। 16 भी EDC 17, 16 भी आप ऑलमोस्ट कर लोगे। और ये नहीं मैं बोलूँगा आप ये लेके पूरा काम कर दोगे, जिस भाई के पास केटैग के अलावा उनको थोड़ा काम को अपग्रेड करना है वो ये लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको होंडे में बता देता हूँ, होंडे में EDC 15 का काम कर सकते हो, EDC 16 का काम कर सकते हो। जैसे होंडे ये वरना में आता है, 400 वाला वरना में आता है, वो आप काम कर लोगे। 3.7 डेल्फी, 3.7 डेल्फी का भी आप काम कर लोगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी मैं सीधा चले जाऊँगा मारुति में, सुजुकी में, ठीक है। और PCR 2.1 इसमें इप्राम अनलॉक कर सकते हैं। अभी मैं टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अभी मैं शिफ्ट का डायरेक्ट करके बता देता हूँ। शिफ्ट आ गया, मैग्नेट मरली MJD 602, हम करेंगे ओके ओके। कैन लाइन, ठीक है, कैन से ये हो जाता है। और एडी रीडिंग, एडी हम रीड करेंगे, वो देखो पावर सारा कुछ 0-0 है। अभी मैं इसको पावर सप्लाई ऑन करूँगा, पॉजिटिव दूंगा, देख सकते हैं अभी मेरा पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है। प्लीज़ कनेक्ट योर व्हीकल, यानी जो आपका व्हीकल का जो रहता है वो बैटरी सब चार्ज होनी चाहिए, वो उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा। हाँ ओके, हमने डायग्नोस्टिक का कनेक्टर सारा कुछ हमने गाड़ी में लगा दिया। अभी ये बता रहा है स्विच ऑन डैशबोर्ड, और उसके बाद ओके करें। अभी मैं मान के चलो ये मेरी गाड़ी है, तो मैं चाबी से इग्निशन ऑन करूँगा, ठीक है। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे इस गाड़ी में स्विफ्ट में आपका टिक 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 की साउंड आती है, ठीक है। अभी मैं इग्निशन को ऑन किया, ओके, ठीक है। अभी मेरा जो ECM है वो कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, जो हमने फैमिली नंबर जो सेलेक्ट किया है वो सही है या गलत है बोल के। अभी ये बता रहा है इग्निशन ऑफ, ठीक है, हमने इग्निशन ऑफ किया, स्विच ऑफ किया, ओके किया, और देखो इसके अंदर एरर बन के आ गई, तो मेरा ऑटोमेटिक नहीं हुआ क्योंकि हमने कैन से किए थे। अभी हम के लाइन से करेंगे, ठीक है, अभी ऑटोमेटिक के लाइन से शुरू हो जाएगा। पावर ऑन, ओके, कम्युनिकेटिंग, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है मेरा ECM, डैशबोर्ड ऑफ, ओके। अभी भी एरर हुआ, रुको मैं इसको बैक लेता हूँ। अभी मैं मैग्नेट मरेली में चला गया, ओके किया। हमने पहले सेलेक्ट किए थे कैन लाइन, अभी मैं करूँगा के लाइन, ठीक है, के लाइन, ओके। अभी सेलेक्ट करेंगे हम इसका आइडेंटिफिकेशन ID, ठीक है, ओके, स्विच ऑन, ठीक है, ओके, मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है,
तो आपको इसका बारे में मालूम होना चाहिए, के लेंस से चलता है क्यान लेंस से। मैं आपको बताया के लेंस से करेंगे तो क्या होगा, क्यान लेंस से करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मेरा ECM का ऑटोमेटिक उठा लिया है सारा कुछ, एनी दिया आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, सॉफ्टवेयर नंबर, हार्डवेयर नंबर, इंजन, सारा कुछ इसमें बता दिया। तो ओके, ये रीड करने के लिए तैयार है, रेडी है। अभी हम कोई भी इसमें नाम दे देंगे, आइडेंटिफिकेशन का नाम दे देंगे, जमीर ID बोल के सेव कर दें, आइडेंटिफिकेशन का रहता है। ठीक है, हम इसको सेव कर लिए। अभी वो बता रहा है कि ऑफ, ओके की ऑफ। अभी हम इसको करेंगे डेटा रीड, रीडिंग रीड राइड, यही अपने को रहता है, हम करेंगे डेटा रीड। ओके, अभी वो बता रहा है इग्निशन ऑन, इग्निशन ऑन किए, ओके किए, और दोबारा मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, स्टार्टिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी मेरी चाबी ऑन है। तो ये बताने का मतलब क्या है, ये थोड़ा इजी रहेगा, केटेक से ये वाला ECM रीड एंड राइट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इससे अच्छा काम हो जाता है। अभी ये रीड करने के लिए तैयार है, प्रोसीड टू रीड, हम ये रीडिंग के लिए शुरू है, अभी स्टार्ट है पूरा, इसके तरफ से जितना वो करना चाहिए था सारा कुछ वो कर लिया है। अभी वो बता रहा है मिनिमम 46 मिनट। ठीक है, ये रीडिंग करने का थोड़ा समय ज़्यादा लेता है, ओके कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 मिनट, 46 मिनट रेडी है हम। ठीक है, हमने कर दिया ओके। थोड़ा ये डेटा जो रहता है रीड होने के लिए समय लेता है। इसमें आपको कोई भी रेजिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं ये केटेक से किया था तो हमने इसमें निकाला हुआ है। देखो अपना रीडिंग शुरू हो चुका है, वो बता रहा 45 मिनट ऊपर नीचे। ठीक है, हमने इसके अंदर रजिस्टर निकाला है, तो हमने केटैक से करने के लिए रजिस्टर निकाला है। ठीक है, उसी टाइम मेरे पास केस भी आ गया, तो हम इससे ही रीड एंड राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं अपना रीडिंग शुरू हो चुका है, यानी आधा घंटा पौना घंटा तकरीबन लगेगा, जैसे ऐसे ही मेरी चाबी ऑन रहेगी और बैटरी पावरफुल होनी चाहिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग करने का मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।